मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8, पोयम मीडो सरप्राइजेस। मीडो का मतलब होता है ग्रीन फील्ड। इस पोयम में आपको ग्रीन फील्ड के बारे में बताया गया है कि अगर आप देखोगे मीडोज को, ग्रीन फील्ड को, तो बहुत सारे सरप्राइजेस से भरे हुए होते हैं। मतलब नेचर इतना सुंदर है कि आप देख के उसको खुश हो सकते हो। चलिए हम देखते हैं। Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees. Clump का मतलब होता है group of trees. You will notice many wonderful things. तो आपको ये बताया गया है कि कभी भी आप green field, park में या group of trees के नीचे घूमोगे तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे, बहुत सुंदर चीजें। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? तो उसमें ये बताया गया है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे surprises मिलेंगे अगर आप अंदर अपनी आँखों को एक तरह इकट्ठा करके, मतलब एक तक देखोगे और कान को बहुत sharply उस आवाज को सुनने की कोशिश करोगे तो। Meadows have surprises. You can find them if you look. तो वही बताया गया है कि ग्रीन फील्ड में बहुत सारे surprises होते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको मिल जाएंगे। Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. मतलब आपको बहुत धीरे धीरे softly चलना पड़ेगा। Velvet का मतलब होता soft, मतलब soft grass के बीच में जब आप बहुत आराम से चलोगे तो आपको सुनाई देगा। Brook का मतलब होता stream, streams की आवाज आपको सुनाई देगी पानी बहने की। You may see a butterfly rest upon a buttercup. आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बटरफ्लाई दिखेगी जो आराम से बैठी होगी बटर कप। बटर कप का मतलब होता है अ प्लांट विथ ग्लॉसी येलो फ्लावर्स। मतलब उसके लिए बटर कप क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस। अनफोल्ड का मतलब होता है ओपन, मतलब जो बटरफ्लाई में आगे आपको देखोगे दो वो रहते हैं, दांत टाइप के बने होते हैं, वो उनके स्ट्रॉज होते हैं जो वो ओपन करती हैं रस पीने के लिए फ्लावर्स का। टू सिप द नेक्टर अप, नेक्टर अप का मतलब होता है सिक्रिएशन ऑफ प्लांट, या प्लांट का जो जूस होता है उसे पीने के लिए वो अपना आगे का जो स्ट्रॉ है था वो ओपन करती हैं। यू मे स्केयर द रैबिट Who is sitting very still? Scare का मतलब होता है frightened. तो वही बोला गया है कि आप रैबिट को डरा सकते हो जो बहुत शांति से बैठा हुआ है। Though at first you may not see him. पहले तो आपको नजर नहीं आएगा। When he hoops, you will. Hoops का मतलब होता है jump. लेकिन जब वो कूदता हुआ रहता है या jump करता हुआ होता है तब आपको दिखाई देता है, जैसे आपको दिया हुआ देखिए कूद रहा है। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago. Dandelion का मतलब होता है एक wild plant, जैसे ये आपको दे रखा है, ये dandelion की फोटो है। तो ये बता रहा है कि कुछ दिन पहले कौन से कलर का था, येलो कलर का था। फूजी का मतलब होता है फ्लफी मैटर, तो मतलब इसका आप ऊपर छुओगे तो बहुत सॉफ्ट रहेगा, फ्लफी रहेगा। ये चीजें पहले क्या थी, पहले कुछ दिन पहले ये येलो कलर में थी, गोल्डन कलर में थी। Has now turned to airy parachutes that flutter when you blow. Flutter का मतलब होता है flap the wing, जब भी आप उसको हिलाते हो या फूक मारते हो तो वही बताया गया कि ऊपर का बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे लगा हवा भरी हुई है, पैराशूट में जैसे हवा भरी होती है ना, वैसे हवा भरी हुई है और ब्राउन कलर का ये हो गया है। और जैसे आप फूक मारोगे तो ये एक जगह से दूसरे हिलने लगेगा, इसके जो ऊपर लगी हुई चीजें हैं वो टूट जाएंगी। तो देखिए आपको यहाँ यही बताया था कि रैबिट और बटरफ्लाई के बारे में बताया गया और डैंडेलियन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 124। एक्सप्लोर द मेडो हाउसेस। एक्सप्लोर का मतलब होता है ट्रेवल। तो जब आप वहां से निकलोगे ग्रीन फील्ड के बीच में से तो आपको बहुत सारे घर भी दिखाई देंगे। द ब्यूरोस इन द ग्राउंड, मतलब जो रैबिट लोग हो गए, जो इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं, जमीन में खोद के रहते हैं। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, और आप जब बड़ी बड़ी घासों के नीचे देखोगे तो आपको नेस्ट नजर आएंगे। द आंट्स अमेजिंग माउंट, चींटी के बहुत बड़े बड़े घर बना रखे हुए मिट्टी खोद के। माउंट का मतलब होता है पाइल ऑफ अर्थ।
वो मैडोज हैव सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल, मतलब सब जो मैडोज हैं वो फुल सरप्राइजेस से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है, हमें पता करनी है. यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, आप इन सब चीजों को आप खुद से ढूंढ सकते हो. यू इफ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखो और सुनने की कोशिश करो तो आपको समझ समझ में आएगा. ये लिखी गई है लुइस ब्रांड फिलिप्स के द्वारा. थैंक यू.